प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संदेश देखिए, बहुत खूब आपका ये प्रयास सबको प्रेरित करेगा। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। दरअसल ये वीडियो सामने उभर कर आया है, ब्रिजलाल नाम के एक आईपीएस ऑफिसर ने अपने घर के बाहर करीब 50 घोंसले लगाए हैं गोरैया के लिए। जी हाँ, वो चिड़िया जो अक्सर आपके घर के सामने दिखाई देती है। इसमें ब्रिजलाल क्या कह रहे हैं, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हमारे आवास में गोरैया, मैंने 50 घोंसले लगा रखे हैं, गोरैया ने अंडे शुरू कर दिए हैं। आवास में 100 से अधिक गोरैया हैं। मैं गोरैया के लिए हमेशा बाजरा, काकुन और चावल के टुकड़े खिलाता हूं। गर्मी आ गई है, घर में चिड़ियाओं के लिए पानी रखना ना भूलें। बहुत ही उम्दा प्रयास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी बहुत उम्दा संदेश। गोरैया को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चिंता बहुत अच्छी है, दिल को सुकून पहुंचाने वाली है। मगर प्रधानमंत्री, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देश भर में किसी ना किसी तरीके से नफरत की खेती की जा रही है और आप उन मुद्दों पर पूरी तरह से खामोश रहते हैं। मोनू मानेसर नाम के व्यक्ति जिसे पूरी तरह से शह मिल रही है हरियाणा पुलिस की, जिसकी ढेरों तस्वीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, चाहे वो देश के गृह मंत्री अमित शाह हो, चाहे वो सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स हों। इस मोनू मानेसर पर आरोप है कि उसने जुनैद और नासिर नाम के दो मुसलमानों को मौत के घाट उतार दिया, और खबर बहुत सेरन पैदा करने वाली है दोस्तों। और इस घटना के जरिए किस तरह से देश में एक नए सिरे से नफरत को आगे बढ़ाया जा रहा है, वो काम जो शायद तालिबान वाले अफगानिस्तान में होता है या पाकिस्तान के उन इलाकों में होता है जहां सिर्फ मजहबी कट्टरता है और उसके अलावा कुछ नहीं, वो मेरे भारत में हो रहा है दोस्तों। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस पर बात करते हैं, गोरैया पे, चिड़िया पे बात करते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, बहुत अच्छी बात है, दिल को सुकून पहुंचाने वाली बात है, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री, कि नफरत के खिलाफ आप आवाज कब बुलंद करेंगे। एक एक करके मैं आपको बतलाने वाला हूं कि यह मामला क्यों चिंताजनक है। सबसे पहले दोस्तों, मोनू मानेसर वाला मामला इतना खतरनाक क्यों है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। एनडीटीवी की रिपोर्ट, जुनैद नासिर के पास कोई गोवंश नहीं मिला, यानी कि गाय का मांस उनके पास नहीं था, बावजूद उसके मौत के घाट उतार दिया गया। मरणासन्न हालत में रिंकू सैनी बाकी आरोपी दोनों को हरियाणा के थाने ले गए, यानी कि उनको इतनी बुरी तरह से पीटा गया जुनैद और नासिर को कि वो लगभग मर गए और उन्हें थाने ले जाया गया। मगर क्या पुलिस ने उन्हें अस्पताल भेजा, नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। एनडीटीवी की रिपोर्ट क्या कहती है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस ने अस्पताल ले जाने के बजाय आरोपियों के साथ ही भेज दिया, वापस उन्हीं आरोपियों के साथ जिन लोगों ने जुनैद और नासिर को इतनी बेरहमी से मारा था, उन्हीं के साथ वापस भेज दिया, और फिर 200 किलोमीटर दूर जाकर उनकी जली हुई गाड़ी मिलती है, आरोप कि उन्हीं लोगों ने उन्हें जला दिया। जो मुख्य आरोपी है मोनू मानेसर, इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो गिरफ्त में नहीं है। वो खुलेआम संदेश दे रहा है कि मैं वहां मौजूद नहीं था, जबकि मोनू मानेसर के पूरे फेसबुक पेज में आप देखिए इसी तरह की नफरती बातें कर रहा है। वो अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के साथ जो उसकी तस्वीर थी उसको हटा रहा है। और बात यहां नहीं रुकती, मोनू मानेसर के बहाने भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी जो संस्थाएं हैं वो हमारे समाज में जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो बहुत शॉकिंग है। आपकी स्क्रीन पर यह है बजरंग मुनि, आप जानते हैं क्या कह रहा है, यह मुसलमानों के नरसंहार की वकालत कर रहा है, खुलेआम इस तरह की बातें कर रहा है। इस पर कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, उल्टा मोदी सरकार इसे अदालत में जायज ठहराएगी, इसे डिफेंड करेगी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि मोहम्मद जुबैर को जब जेल जाना पड़ा था तब
अदालत के अंदर मोदी सरकार ने बजरंग मुनि को सम्मानित बताया था। क्या कहा था, अंग्रेजी में पढ़ के सुना रहा हूं और फिर मैं उसको हिंदी में अनुवाद करूंगा। अटॉर्नी सोलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में बजरंग मुनि के पक्ष में क्या कहा, मैं आपको बताता हूं। महंत बजरंग इज अ रिस्पेक्टेड रिलीजियस लीडर इन सीतापुर। वंस यू कॉल हिम अ हेट मॉन्गर देन इट इनवाइट्स वायलेंस। There is no scope of intention here under section 482 petition. We have to look at his devices and that is why we are going to Bangalore and remand was granted. मुद्दा क्या था मैं आपको बताता हूं। जब मोहम्मद जुबैर ने, फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने बजरंग मुनि को अपने एक ट्वीट में नफरती बताया था, तब उसे नफरती बताने का विरोध मोदी सरकार ने अदालत में किया था। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अगर आप उन्हें नफरती बताएंगे तो इससे हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यह पहली बार नहीं है जब बजरंग मुनि ने इस तरह के बयान दिए हैं और मोदी सरकार इस तरह के नफरती लोगों को जायज ठहराने का काम करती है। बात वहां तक सीमित होती तो कहा जा सकता था। ये देखिए, मोनू मानेसर के पक्ष में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जो हैं वो नारे लगा रहे हैं। दोस्तों, वो नारे मैं नहीं सुनवाना चाहता हूं आपको, मैं सिर्फ तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों, मैं समझना चाहता हूं क्यों। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, पुलिस ये कह रही कि जुनैद और नासिर में से एक जो है उसका अपराध है गौ तस्करी को लेकर। यहां दो सवाल पैदा होते हैं, जैसे कि पुलिस खुद कह रही है कि उनके पास गोमांस नहीं मिला, दूसरी बात अगर उनका आपराधिक इतिहास है भी तो क्या तालिबान के अंदाज में उन्हें सजा दी जाएगी, बताइए। ऐसी ढेरों मिसाल है हमारे सामने जहां बेकसूर लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। दादरी भूल गए आप, बताइए, अखलाक को भूल गए आप। गिन गिन के मैं आपको ढेरों मिसाल बता सकता हूं जहां बेकसूर लोगों को शक के आधार पर एक मॉब मेंटालिटी के तहत, एक मॉब मानसिकता के तहत मौत के घाट उतार दिया गया था। हमें इस तरह की सोच, इस तरह की मानसिकता का विरोध करना चाहिए। यह ना भूलें महाराष्ट्र के पालघर में क्या हुआ था, तब दो साधुओं को महज अफवाह पर मौत के घाट उतार दिया गया था। मध्य प्रदेश में भी ऐसी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी जहां बच्चा चोरी को लेकर जो है आरोप था दो तीन लोगों पर, वो अपनी गाड़ी चला रहे थे, लोगों ने उनको रोका और मौत के घाट उतार दिया। हमें सबसे पहले तो ये जो अफवाह के चलते एक मॉब मानसिकता सामने उभर कर आती है उसके बारे में प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। मगर न सिर्फ अफवाह के चलते मॉब मानसिकता एक बहुत बड़ी समस्या है, साथ में ये जो गौरक्षा के नाम पर जो हिंसा सामने बार बार उभर कर आ रही है वो एक चिंता करने वाली बात है, ये चिंता पैदा करने वाली बात है। प्रधानमंत्री, गौरैया के प्रति अपना प्यार जतलाना ठीक है मगर अपने नागरिकों के प्रति भी अपना दर्द दिखलाइए। वो नागरिक अगर आपके वोटों में फिट नहीं बैठता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके बारे में आप खामोश रहेंगे या उसके बारे में आप अपनी राज्य सरकार को सख्त हिदायत नहीं देंगे। इससे सिर्फ और सिर्फ देश की बदनामी हो रही है और इसके अलावा कुछ नहीं। और यह नफरत रुक नहीं रही है दोस्तों। कर्नाटक के अंदर भाजपा के नेता क्या करते हैं वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मगर आपकी स्क्रीन पर यह धीरेन्द्र शास्त्री जो कथावाचक हैं, जो अक्सर अनाप शनाप बातें करते हैं, अंधविश्वासी बातें करते हैं, गाली गलौज तक करते हैं मंच से कथावाचन के दौरान, उनके भाई का ये वीडियो सामने उभर कर आया। मैं चाहूंगा आप ये वीडियो पहले देखें। अब इन तस्वीरों में देखिए जहां धीरेन्द्र शास्त्री अपने भाई के साथ दिखाई दे रहा है। इनका भाई एक दलित शादी में पहुंचता है, वहां गाली गलौज करता है, मां बहन की गालियां बकते हैं, सिगरेट हाथ में होता है, हाथ में कट्टा होता है। इस पत्रकार के ट्वीट के मुताबिक, मेरी जानकारी इन पत्रकार के ट्वीट के हिसाब से,
ये वो धीरेन्द्र शास्त्री है दोस्तों, जिसके सामने भाजपा के नेता नतमस्तक होते हैं। हालांकि भाजपा के नेताओं का क्या कहें, कमलनाथ जैसे सम्मानित कांग्रेसी नेता भी धीरेन्द्र शास्त्री के सामने जमीन में बैठे होते हैं, तो उनको क्या कहा जाए। मगर एक व्यक्ति जो कि भाई है कथावाचक का, जो खुद विवादास्पद है, इस तरह की गुंडाई दिखा रहा है, इस तरह की कथित गुंडाई दिखा रहा है, और उस पर कोई एक्शन नहीं होगा दोस्तों। हाथ में कट्टा था, सिगरेट था, मैं नहीं जानता हूं क्या वो शराब के नशे में धुत थे, ये तमाम सवाल थे। वहां कुछ भी हो सकता था। एक दलित की शादी में जाकर यह बवाल मचाने की क्या जरूरत थी। इस तरह के नफरतियों, इस तरह के अराजक तत्वों को हम मुख्य धारा में क्यों डाल रहे हैं, इन्हें जायज हम अपनी मानसिकता के जरिए क्यों बना रहे हैं, ये सवाल हैं, इनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। यह हकीकत है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। दो मिसाल मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों, मोनू मानेसर के पक्ष में जिस तरह से प्रचार चलाया जा रहा है, और दूसरा धीरेन्द्र शास्त्री का भाई। अब मैं तीसरी मिसाल देता हूं आपको, तीसरी मिसाल है कर्नाटक से। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, भाजपा के दो नेताओं ने कांग्रेस के नेता सिद्धरमैया को खत्म कर देने, मार देने की बात कही है दोस्तों। इस खबर के मुताबिक बीजेपी के जो दो नेता हैं, सीएन अश्वथ नारायण और कर्नाटक के बीजेपी प्रमुख नलिन कुमार कतील, दोनों ने बयान दिया है कि सिद्धरमैया को टीपू सुल्तान की तरह खत्म कर दें। भाजपा का एक नेता एक पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हिंसा की बात कर रहा है। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर इस तरह का कोई बयान कांग्रेस के किसी नेता ने दे दिया होता। याद कीजिए, मध्य प्रदेश के अंदर एक कांग्रेस के नेता ने इसी तरह से प्रधानमंत्री को खत्म करने की बात कही थी, जेल गया था कि नहीं गया था। मगर अश्वथ नारायण जिसने यह बयान दिया है, क्या उससे पूछताछ हुई? नहीं हुई। मैं आपको एक कार्टून दिखाना चाहता हूं दोस्तों, ये कार्टून है, कार्टूनिस्ट सतीश आर्या का, उन्होंने ट्वीट किया है। वो कहते हैं, टॉक्सिसिटी लेवल गोज अप इन कर्नाटका अहेड ऑफ इलेक्शंस, यानी कि जहर बढ़ रहा है क्योंकि कर्नाटक के चुनाव आने वाले हैं। मगर मैं चाहूंगा आप ये कार्टून देखें, इसमें आप अश्वथ नारायण को भी देख सकते हैं, कतील को भी देख सकते हैं, और भाजपा के एक अन्य नेता है वो एक नदी में, जो शायद कर्नाटक का मानचित्र है, वो जहर की उल्टी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जहर की उल्टी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि बाकायदा कमल दिखाई दे रहा है। इस कार्टून का क्या मतलब है? इस कार्टून का मतलब यह है कि जितना ज्यादा जहर की उल्टी करेंगे बीजेपी के नेता, कमल उतना खिलेगा। और आप देख सकते हैं, एक तरफ आप अमित शाह का कार्टून देख सकते हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कार्टून देख सकते हैं। ना इस तरह की जहरीली बयानबाजी का विरोध प्रधानमंत्री करेंगे, ना देश के गृहमंत्री अमित शाह। बस अपनी राजनीति के लिए देश को जहर की तरफ ढकेलते रहो, जहर उगलते रहो, लगातार उगलते रहो, और ये उम्मीद करते हैं कि इस जहर को बोकर ये वोटों की खेती करेंगे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर तुम इस तरह से जहर बोगे ना, तो इस देश की राजनीति को बंजर बना दोगे, इस देश की राजनीतिक जमीन को पूरी तरह से बंजर बना दोगे, इसके अलावा कुछ नहीं। आज के मेरे इस कार्यक्रम का मकसद यही था दोस्तों, कि मैं आपके सामने यह मुद्दा लेकर आऊं कि जहरीली राजनीति से इस देश को सिर्फ नुकसान है और उसके अलावा कुछ नहीं। आपको अपने अंदर झांकना होगा कि आप इस जहरीली राजनीति का कब तक हिस्सा बनेंगे, कब तक इसे बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि बीजेपी को तो वोट्स मिलते रहेंगे, मगर देश को जहर की तरफ आप कब तक ढकेलते रहेंगे, यह फैसला आपको करना है। न्यूज चक्र में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।